वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस चैनल। हम लोग 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर कर रहे थे और हम पिछले वीडियोस में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और लीनियर इक्वेशन के बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ मेथड विच इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग मेथड। थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं इस वीडियो को कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बेटर बना पाऊँ। तो ये रिड्यूसिंग मेथड है। ये मेथड हर क्वेश्चन में नहीं लग सकता। ये जो हम रिड्यूसिंग मेथड पढ़ाने जा रहे हैं, चौथा मेथड, ये मेथड हम हर क्वेश्चन के साथ नहीं लगा सकते। तो पहले आप कंडीशन समझ लें कि ये मेथड कौन कौन से क्वेश्चंस में लगता है। रिड्यूसिंग मेथड उन्हीं क्वेश्चंस में लगेगा जिन क्वेश्चंस में वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में होंगे। वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स कहाँ होने चाहिए? डिनोमिनेटर में। जैसे कि ये एक्स नीचे की तरफ लिखा है डिनोमिनेटर में, वाई नीचे की तरफ लिखा है डिनोमिनेटर में, ये एक्स और वाई नीचे की तरफ लिखे हैं डिनोमिनेटर में। जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एक्सेट्रा डिनोमिनेटर में दिए हों, नीचे दिए हों, तब लगता है रिड्यूसिंग मेथड। अदरवाइज अगर ये एक्स वाई ऊपर की तरफ दिए होते, न्यूमरेटर में यहाँ दिया होता, न्यूमरेटर में दिया होता, तो फिर हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो वाला कोई सा मेथड अप्लाई करते। बट क्योंकि वेरिएबल्स नीचे दिए हुए हैं, इसलिए हम लगाएंगे रिड्यूसिंग मेथड। ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब सबसे पहले क्या करें, ये जो वेरिएबल एक्स नीचे दिया है, वेरिएबल वाई नीचे दिया है, वेरिएबल एक्स नीचे दिया है, वेरिएबल वाई नीचे दिया है, इसको पहले सेटल करना पड़ेगा, इसको पहले सेटल करना पड़ेगा, सही तरीके से इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। देखो कैसे। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें लिखा है 2 अपॉन x और इसमें लिखा है 5 अपॉन x। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? 2 अपॉन x और 5 अपॉन x में क्या कॉमन है? अपॉन x। नीचे यहाँ पर भी x आ रहा है, नीचे यहाँ पर भी x आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, जब भी कोई चीज़ नीचे लिखी होती है, जैसे यहाँ पर x नीचे लिखा हुआ है, तो उसको x नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन x भी बोल सकते हैं। तो 2 अपॉन x और 5 अपॉन x में, ये 2 अपॉन x, ये 5 अपॉन x, इन दोनों में क्या कॉमन है? अपॉन x, यानी 1 अपॉन x। तो उसको आप कुछ लेट कर लें। तो मैंने 1 अपॉन x को कैपिटल A लेट किया। अब यहाँ पर 3 अपॉन y है, यहाँ पे 4 अपॉन y है। 3 अपॉन y और 4 अपॉन y में दोनों में कॉमन क्या है? गौर से देखिए, अपॉन दोनों के पास है और y नीचे दोनों के पास है, मतलब अपॉन y कॉमन है, यानी 1 अपॉन y कॉमन है। 1 अपॉन y को अपन मानेंगे कैपिटल B। अब सुने मेरी बात को ध्यान से, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। ये 2 जो है ऊपर लिखा है, तो उसको आप 2 पढ़ेंगे क्योंकि 2 ऊपर लिखा है। 3 भी ऊपर लिखा है, तो उसको आप 3 पढ़ेंगे। लेकिन x कहाँ लिखा है? नीचे, इसको आप क्या पढ़ेंगे? x नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अपॉन x, यानी 1 अपॉन x, तो उसको आप लिखेंगे 1 अपॉन x। ये 2 ऊपर था इसलिए 2 लिखा, और x नीचे था इसलिए क्या लिखा? 1 अपॉन x, और बीच में कुछ ना हो तो इनटू मानते हैं। यहाँ पर प्लस, 3 ऊपर था इसलिए 3 लिखा, लेकिन y कहाँ है? नीचे, तो नीचे वाले y को क्या बोलते हैं? 1 अपॉन y, और बीच में इनटू और इक्वल टू 13। सिमिलरली 5 अपॉन x में 5 ऊपर है, 5 ऊपर है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 5, और x नीचे है, तो उसको हम लिखेंगे 1 अपॉन x, और बीच में इनटू, आगे माइनस का साइन है। 4 ऊपर है, 4 को 4 पढ़ेंगे, और y बेटा नीचे है, तो उसको पढ़ेंगे 1 अपॉन y इक्वल टू माइनस टू। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, और जो 1 अपॉन एक्स है उसको हमने क्या माना है? कैपिटल ए, तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल ए। प्लस 3 इंटू 1 अपॉन वाई, और 1 अपॉन वाई को हमने क्या माना है? कैपिटल बी, और इक्वल टू 13। तो ये 2 इंटू ए कितना हो गया? 2a, 3 इंटू बी 3b, और इक्वल टू 13। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन,
2a plus 3b equal to 13, first equation. Now 5 into 1 upon x, 1 upon x को हमने क्या माना है, कैपिटल a, माइनस 4 इंटू 1 अपॉन y, 1 अपॉन y को क्या माना था हमने, कैपिटल b, इक्वल टू माइनस 2. तो ये हो गया 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 2. ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन. अब आपको फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी भी मेथड से. आप फर्स्ट को और सेकेंड में जो अच्छा आपको लगे, आपको एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जिस पे आपकी पकड़ सबसे अच्छी है, जिस पे आपकी सबसे अच्छी ग्रिप है, आप वो लगाइए. और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी सबसे अच्छी ग्रिप एलिमिनेशन पे ही होगी, या किसी पे भी हो सकती है. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. मैं इसको एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ. अभी फिर से एक बार इसमें लगाएंगे तो हमें मेथड और अच्छे से हो जाएगा याद. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, ध्यान से देखें, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 2, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज. और ध्यान से देखें, 13 कैसा है, प्लस का है, 3b कैसा है, प्लस का है, 2a पर कोई साइन नहीं है तो प्लस, 2 माइनस का, 4b माइनस का, 5 पे कोई साइन नहीं है तो प्लस. एलिमिनेशन में क्या होता था, ये जो a है इसकी जो कोएफिशिएंट है वो कितनी है, प्लस 2. a नहीं, a के आगे कितना लिखा है, प्लस 2, उसको नीचे वाली पूरी इक्वेशन में इंटू करना है. यहाँ पर a की कोएफिशिएंट कितनी है, प्लस 5, प्लस 5 को हमें पूरे ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है. ध्यान से देखिए, अब 5 2 10a, 5 3 15b, 5 13 65, साइन प्लस 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 प्लस. नीचे वाली इक्वेशन 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. लाइन खींचें और ऊपर वाली इक्वेशन को कुछ नहीं करना होता है, नीचे वाली के साइन बदलने होते हैं. 10a को प्लस से माइनस, 8b को माइनस से प्लस, 4 को माइनस से प्लस. ये 10a प्लस का, ये 10a माइनस का, प्लस माइनस माइनस कीजिए, माइनस करिए. इसको पढ़िए 10 एप्पल, इसको पढ़िए 10 एप्पल. प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 एप्पल माइनस 10 एप्पल, 9 एप्पल, मतलब 0 एप्पल, कैंसिल. ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 होता है 15 और 8 23 भी. 15 और 8 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, और कैसा है वो, प्लस का. प्लस 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 65 और 4 69, 65 बड़ा है, कैसा है, प्लस का है. अब प्लस 23b को, प्लस 23b को आप खाली 23b भी लिख सकते हैं, और प्लस 69 को आप खाली 69 भी लिख सकते हैं. 69 और 23 को ये मल्टीप्लाई से कहाँ लेके आ रहे हैं, डिवाइड के फॉर्म में. 23 वन ज़ा 23 थ्री ज़ा, तो b कितना आया, 3. अब मेरे पास b आ चुका है, अब मैं b को रखूँगा फर्स्ट में या सेकंड में, किसी एक इक्वेशन में. मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ. सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 2. तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुट, b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2. सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं जो कि था 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 2. 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 2, बी की जगह पे 3, प्लस का 3. कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू 3 12, माइनस प्लस माइनस. यहाँ पे 4 बड़ा है लेकिन 4 का साइन माइनस नहीं लगाया, ऐसा नहीं है. साइन बढ़ेगा तब लगता है जब हम प्लस और माइनस कर रहे हो. यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट लगा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसलिए हमने माइनस लगाया हुआ है. माइनस 12 उस तरफ जाके, माइनस 12 उस तरफ जाके, प्लस 12.
माइनस प्लस माइनस, 12 में से 2 गए तो 10 बचे, 12 बड़ा है प्लस का साइन, और प्लस ना लिखेंगे तो भी चलेगा। और ये 5 इंटू से कहाँ पहुँचेगा, डिवीजन में, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ए हमारे पास आया 2। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो ए और बी आया, बट हमारी नीड क्या थी, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। आपने 1 अपॉन एक्स को क्या माना है, कैपिटल ए, और 1 अपॉन वाई को क्या माना है, कैपिटल बी। इस बात को ध्यान रखिए, आपने 1 अपॉन एक्स को माना था कैपिटल ए, 1 अपॉन एक्स को कैपिटल ए, और कैपिटल ए कितना आया, 2। नीचे कुछ नहीं है तो 1 माने, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1, एक्स इंटू 2 2x, एक्स को छोड़ें और 2 को आप नीचे ले आए, तो एक्स कितना आया, 1/2। और आपने 1 अपॉन वाई को क्या माना था, बी, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 3। नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, वाई इंटू 3 3y, वाई को होल्ड करा और 3 को नीचे रखा, तो ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए, एक्स 1/2 और वाई 1/3। हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड पे, रिड्यूसिंग मेथड पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू -1, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2y इक्वल टू 8। ध्यान से देखें, इसमें एक्स नीचे है, एक्स नीचे है, वाई डिनोमिनेटर में है, नीचे वाई नीचे है। जब भी वेरिएबल एक्स वाई नीचे होता है तो रिड्यूसिंग मेथड, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 1 अपॉन 2x 1 अपॉन एक्स में दोनों में अपॉन एक्स कॉमन है। और पहली बात तो, अगर ये एक्स ऊपर लिखा होता तो हम इसको एक्स पढ़ते, याद रखें अगर एक्स ऊपर लिखा है तो एक्स पढ़ें, वाई ऊपर लिखा है तो वाई पढ़ें, एक्स नीचे लिखा है तो उसको 1 अपॉन एक्स पढ़ें, वाई नीचे लिखा है तो उसको 1 अपॉन वाई पढ़ें। अगर आप सही पढ़ेंगे तो समझ में आपको जल्दी आएगा। तो 1 अपॉन 2x और 1 अपॉन एक्स, इन दोनों में कॉमन क्या है, अपॉन एक्स, दोनों में क्या कॉमन है, अपॉन एक्स। तो अपन अपॉन एक्स को क्या बोलते हैं, 1 अपॉन एक्स, उसको अपन ने कैपिटल ए माना। यहाँ पे 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन 2y दोनों में क्या कॉमन है, अपॉन वाई, यानी 1 अपॉन वाई। 1 अपॉन वाई को अपन क्या मानेंगे, कैपिटल बी। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर लिखा है 1, लिख दिया, नीचे लिखा है 2, नीचे जब 2 लिखा हो तो उसको 2 पढ़ते ही नहीं, उसको 1 अपॉन 2 पढ़ते हैं। ऊपर 1 लिखा था वो मैंने लिख दिया, नीचे वाले 2 को क्या पढ़ेंगे, 1 अपॉन 2, नीचे वाले x को क्या पढ़ेंगे, 1 अपॉन x, और बीच में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस, ऊपर 1 लिखा है लिखे रहने दो, नीचे y लिखा है, नीचे वाले y को हम क्या पढ़ते हैं, 1 अपॉन y, नीचे बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, इक्वल टू -1, 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x कितना है, कैपिटल ए, 1 इंटू, और 1 अपॉन y कितना है, कैपिटल बी। तो इसको अगर इंटू करेंगे तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू ए ए अपॉन 2, 1 इंटू बी बी, नीचे कुछ नहीं है तो 1, इक्वल टू -1। फ्रैक्शन आ रहा है तो उसमें आप एलसीएम ले लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 बार में, तो 1 इंटू ए 1 ए, 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 बार में, तो 2 से इंटू करें बी को तो 2b, 1a-2b, और 2 इंटू 1 2, लेकिन माइनस का 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन समझते हैं। यहाँ पे लिखा था 1 अपॉन एक्स में ऊपर क्या लिखा है, 1, तो उसको 1 पढ़ेंगे, और एक्स लिखा है नीचे तो उसको हम पढ़ेंगे 1 अपॉन एक्स, ऊपर 1 लिखा है तो उसको 1 पढ़ेंगे, नीचे 2 लिखा है तो उसको 1 अपॉन 2 पढ़ेंगे, नीचे वाई लिखा है तो उसको अपन क्या पढ़ेंगे, 1 अपॉन वाई, बीच में मल्टीप्लाई, इक्वल टू 8। 1 इंटू 1 अपॉन एक्स की जगह पे कैपिटल ए, 1 अपॉन वाई की जगह पे कैपिटल बी, इक्वल टू 8। 1 इंटू ए 1 ए, 1 इंटू 1 इंटू बी बी अपॉन 2, इक्वल टू 8। नीचे कुछ ना हो तो 1 मान के एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 बार में, तो 2 से इंटू करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 ए हो जाएगा।
टू के टेबल में टू कब आता है? वन बार, तो वन इंटू बी बी, टू ए प्लस वन बी इक्वल टू टू एट जा 16, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। हम इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है वन ए माइनस टू बी माइनस टू, सेकेंड इक्वेशन है टू ए प्लस वन बी 16। टू माइनस का है, 16 प्लस का है, टू माइनस का है, वन प्लस का है, वन पे साइन नहीं है तो प्लस, टू पे साइन नहीं है तो प्लस, ऊपर से ब्रैकेट आखिरी तक, यहाँ से ब्रैकेट आखिरी तक, यहाँ पर एक ही कोएफिशिएंट प्लस वन नीचे इंटू, यहाँ पे एक एक ही कोएफिशिएंट प्लस टू ऊपर, पूरे में मल्टीप्लाई। इंटू करिए, टू वन ज़ा टू ए, टू टू ज़ा फोर बी, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर और टू टू ज़ा फोर, साइन लगाइए, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, वन इंटू टू टू, प्लस प्लस प्लस, वन इंटू वन वन बी, प्लस प्लस प्लस, वन इंटू 16 16, प्लस प्लस प्लस, साइन चेंज कीजिए नीचे वाले सारे, माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस माइनस माइनस, टू में से टू गए तो ज़ीरो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस कीजिए, चार और एक पाँच, और एक छोटा है चार बड़ा है, चार का साइन माइनस है तो वो लिखना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो 16 और चार 20, 16 बड़ा है इसलिए 16 का साइन माइनस। अब माइनस इधर पर भी है उधर पर भी, दो तरफ माइनस हो तो कट जाता है, हम आपको पिछले वीडियोज़ में पहले पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। फाइव इंटू से डिवाइड में, फाइव वन ज़ा फाइव फोर ज़ा, तो बी कितना आया? फोर। तो हमने बी की वैल्यू निकाल ली। अब इस बी की वैल्यू फोर को आप रखिए इधर फर्स्ट में, अदरवाइज सेकंड में, फर्स्ट में रखते हैं। पुट बी इक्वल टू फोर इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी वन ए माइनस टू बी माइनस टू, वन ए टू बी माइनस टू, बी की जगह पे फोर, कैसा फोर? प्लस का फोर, टू फोर ज़ा एट, माइनस प्लस माइनस, वन ए को अपन ए भी लिख सकते हैं, माइनस एट को इधर लेके आए तो प्लस एट, प्लस माइनस माइनस होता है, एट में से टू गए सिक्स बचे, एट बड़ा है तो प्लस का साइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये प्लस का साइन आप हटा भी देंगे तो चलेगा, ए आया सिक्स। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, हमने इस क्वेश्चन में वन अपॉन एक्स को ए माना था स्टार्टिंग में, और ए हमारे पास सिक्स है, ए हमारे पास सिक्स है, नीचे कुछ नहीं है तो वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, वन वन ज़ा वन, एक्स इंटू सिक्स सिक्स एक्स, एक्स को छोड़ेंगे और सिक्स को नीचे लेके आएंगे तो एक्स आ जाएगा वन अपॉन सिक्स। सिमिलरली हमने वन अपॉन वाई को बी माना था, और बी हमारा कितना आया था? फोर, नीचे कुछ नहीं है तो वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो इससे आपको वाई कितना मिलेगा बेटा? वन अपॉन फोर। तो रिड्यूसिंग मेथड के हमने दो क्वेश्चन देखे, अब मैं आपको कुछ फर्दर क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन एक्स वाई, थ्री एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल टू इलेवन एक्स वाई। अब ये जो क्वेश्चन है आपको देखकर लग रहा होगा कि इसमें रिड्यूसिंग मेथड तो लगना ही नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नीचे नहीं है, सिक्स एक्स में एक्स ऊपर है, थ्री वाई में वाई ऊपर है, थ्री एक्स में एक्स ऊपर है, नाइन वाई में वाई ऊपर है, तो एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं वो ऊपर हैं, तो आपको लग रहा होगा रिड्यूसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो इसमें सिक्स एक्स में एक्स ऊपर है मानता हूँ, थ्री वाई में वाई ऊपर है मानता हूँ, लेकिन कांस्टेंट हमेशा अकेला होता है, इन्होंने कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल चिपका दिया, कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल अटैच कर दिया, तो फिर इसमें रिड्यूसिंग लगेगा। देखो कैसे, आप एक काम करें, इसको लिखेंगे सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू
सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन के बाद क्या लिखा है, एक्स वाई। उस एक्स वाई को यहाँ से इंटू से कहाँ लाओगे, डिवाइड में। तो जब एक्स वाई इंटू से कहाँ जाएगा, डिवीजन में, तो इसके नीचे आएगा कि उसके नीचे आएगा, बीच में प्लस लगा है तो दोनों के नीचे आएगा। जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो दोनों के नीचे लिखते हैं। वो एक्स वाई इंटू से कहाँ गया, डिवीजन में, दोनों के नीचे क्यों गया, क्योंकि बीच में प्लस था। अब इसमें एक्स एक्स कट जाएगा तो ये बचेगा सिक्स अपॉन वाई, और इस वाले में वाई वाई कट जाएगा तो ये बचेगा थ्री अपॉन एक्स सेवन। अब वेरिएबल नीचे आ गया और कांस्टेंट अकेला हो गया। सिमिलरली इसमें देखिए, थ्री एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल टू इलेवन एक्स वाई। ये एक्स वाई इंटू से कहाँ पहुँचेगा, डिवीजन में, इसके नीचे या इसके नीचे, यहाँ से कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। जब प्लस और माइनस होता है तो डिनोमिनेट जो यहाँ से निकलता है वो डिनोमिनेटर में दोनों के साथ आता है। तो एक्स एक्स जाएगा, वाई वाई जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा थ्री अपॉन वाई प्लस यहाँ पे बचेगा नाइन अपॉन एक्स इक्वल टू इलेवन। अब आप इसमें, इसमें और इसमें, इन दोनों में देखेंगे तो अपॉन वाई कॉमन है, तो वन अपॉन वाई को आप ए मान लीजिएगा, और यहाँ पर दोनों में वन अपॉन एक्स कॉमन है, नीचे और नीचे दोनों में क्या कॉमन है, एक्स। तो आप वन अपॉन एक्स को बी मान के इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फाइव अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन वाई माइनस टू इक्वल टू टू, सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस टू इक्वल टू वन। ध्यान से देखिएगा, फाइव अपॉन एक्स माइनस वन और सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखें तो अपॉन के नीचे एक्स माइनस वन, अपॉन के नीचे एक्स माइनस वन, अपॉन के नीचे एक्स माइनस वन, अपॉन के नीचे एक्स माइनस वन। और जब एक्स माइनस वन इसमें नीचे लिखा है तो उसको पढ़ेंगे वन अपॉन एक्स माइनस वन, उसको अपन ए मान लेंगे। और इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो अपॉन के नीचे वाई माइनस टू, अपॉन के नीचे वाई माइनस टू, और जब वाई माइनस टू नीचे लिखा हो तो क्या पढ़ते हैं, वन अपॉन वाई माइनस टू, उसको आप बी मान लें। ठीक, अब ये फाइव ऊपर लिखा है तो उसको फाइव पढ़ेंगे, एक्स माइनस वन नीचे लिखा है तो उसको वन अपॉन एक्स माइनस वन पढ़ेंगे, बीच में इंटू, वन को वन पढ़ेंगे, वाई माइनस टू नीचे तो उसको पढ़ेंगे वन अपॉन वाई माइनस टू, फाइव इंटू, और वन अपॉन एक्स माइनस वन आपके लिए ए था और वन अपॉन वाई माइनस टू आपके लिए बी था। सो ये हो गया फाइव ए प्लस वन बी इक्वल टू टू, फर्स्ट इक्वेशन। सिक्स ऊपर था तो उसको सिक्स पढ़ेंगे, एक्स माइनस वन नीचे था तो उसको वन अपॉन एक्स माइनस वन पढ़ेंगे, थ्री ऊपर था उसको थ्री पढ़ेंगे, वाई माइनस टू नीचे तो उसको पढ़ेंगे वन अपॉन वाई माइनस टू बीच में इंटू और इक्वल टू वन। सो सिक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन कैपिटल ए और वन अपॉन वाई माइनस टू कैपिटल बी। सो ये हो गया सिक्स ए माइनस थ्री बी इक्वल टू वन, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए किसी भी मेथड से, तो ए और बी आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे ए रखेंगे और उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पे बी रखेंगे और उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आ जाएगा। तो ये था हमारा रिड्यूसिंग मेथड, उसके ऊपर क्वेश्चंस। ओके।